हेलो फ्रेंड्स, अब हम लेजर क्रिएट करना सीखेंगे। लेजर क्रिएट करने से पहले उस कंपनी को ओपन करेंगे जिसके लिए हम लेजर क्रिएट करना चाहते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे कंपनी ओपन है, LSOIT इंडिया। उसके बाद हम कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करेंगे गेटवे ऑफ टैली में आने के लिए, जहाँ से हम मास्टर्स में से सेलेक्ट करते हैं अकाउंट्स इन्फो, देन कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ से लेजर्स को सेलेक्ट करते हैं, एंटर। लेजर क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, सिंगल लेजर एंड मल्टीपल लेजर। लेकिन अभी हम जो अभी फिलहाल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम सिंगल लेजर। उसके बाद हम क्रिएट पर एंटर करके लेजर क्रिएशन स्क्रीन को ओपन कर लेंगे। लेजर बेसिकली एक अकाउंट हेड होता है जिसके अंडर सिमिलर आइटम्स ग्रुप की जा सकती हैं, जैसे एडवर्टाइजिंग अकाउंट। इसमें एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो एंटर किए जाते हैं, ताकि ईयर एंड पर हमें वो ग्रुप्ड होकर मिल जाए। और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एक नाम के दो लेजर्स नहीं हो सकते। जब हम लेजर क्रिएट करते हैं तो हमारे पास दो लेजर पहले से ही बने होते हैं। फर्स्ट होता है कैश का और सेकंड होता है प्रॉफिट एंड लॉस का। ये बाय डिफॉल्ट लेजर्स हैं जिनको हम डिलीट नहीं कर सकते, ये लेजर्स पहले से ही बने होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास लिस्ट ऑफ लेजर की स्क्रीन है, जहां पर हमें ये दिया हुआ है कौन सा लेजर किस ग्रुप हेड के अंडर एंटर होगा। ये वो लेजर्स हैं जो जनरली हम अपनी ट्रांजेक्शन्स में यूज करते हैं। ये केवल एक सैम्पल लिस्ट है ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि कौन सा लेजर किस ग्रुप के अंडर जाना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट लेजर है कैपिटल अकाउंट, जो कैपिटल अकाउंट के ग्रुप हेड में एंटर होगा। क्रेडिटर सन्ड्री क्रेडिटर में, डेटर सन्ड्री डेटर में, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट ग्रुप हेड में एंटर होगा। ड्रॉइंग्स अकाउंट कैपिटल अकाउंट में, बिल्डिंग फर्नीचर मशीन ये सब फिक्स्ड एसेट्स में एंटर होते हैं। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस में एंटर करेंगे एंड रेंट एंड सैलरी को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में एंटर करते हैं। बैंक का नाम है तो हम उसे बैंक अकाउंट में एंटर करेंगे। आउटस्टैंडिंग इनकम करंट एसेट्स में, वैट TCS TDS ये सब ड्यूटीज एंड टैक्सेस के ग्रुप हेड में एंटर होते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लाइबिलिटीज में, सेल डायरेक्ट इनकम है और डिस्काउंट रिसीव इनडायरेक्ट इनकम है। तो इनकी हेल्प से हम आसानी से हम लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू।